जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना केदारनाथ साइड, वैसे वैसे इन सबका वैल्यू बढ़ता जाएगा। शुरू में मैंने खाया था ना, इसकी वैल्यू 50 था, ऊपर खाया 60। और 10 तारीख को बाबा की डोली आने वाली है जो कि विराजमान हो जाएगी अंदर में, और 6 महीने बाद प्रांगण खुल जाएगा और आपको दर्शन भव्य तरीके। भाई केदारनाथ की यात्रा इतनी आसान नहीं होती, आप देख सकते हो इतनी ऊँची चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। यदि आप फिजिकली मेंटेन हो तभी केदारनाथ जी की यात्रा करना। ये बर्फ, प्योर बर्फ है, नेचुरली आकर के जम जाते हैं, तो उस पहाड़ से पानी आ रहा है, आकर के यहाँ टेम्परेचर की वजह से जम जाते। भाई चढ़ाई इतनी चढ़ चुका हूँ, इतनी चढ़ चुका हूँ कि ये देखो आप, यहाँ से ना जो बादल हैं वो पहाड़ों को छू रहे हैं, चूम रहे हैं, ये देख सकते हो आप। जैसे जैसे केदारनाथ पहुँचने वाला हूँ तैसे तैसे अजब सी ऊर्जा अंदर जनरेट हो रही है। ग्लेशियर आकर के पूरा यहाँ पर बिछा हुआ था, बट यहाँ पर बीच से ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया गया। जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघलता है ना, तो ऊपर से वो पत्थर भी सरकता है, तो इस रास्ते पे जब आना ध्यान से आना। भाई जब आओगे आप उत्तराखंड में केदारनाथ बाबा का दर्शन करने, तो आपको नल नहीं मिलने वाला है और नई टोटी मिलने वाली, आपको यहाँ देसी जुगाड़ी पहाड़ का पानी पीना पड़ेगा। बात करूँ चढ़ाई की, भाई तो बहुत ही तगड़ी चढ़ाई है, पीठ पे भाई लगभग 30 किलो वजन है, और ये चढ़ाई सामने देख पड़ रहे हो, और नदी देख रहे हो भाई सामने से बह रही है 200 फीट नीचे, ये देख सकते हो। तो भाई 3 किलोमीटर चलने के बाद महादेव जी का मंदिर आ जाता है चीरबासा, ये देख सकते हो। गौरीकुंड से इसकी दूरी 3 किलोमीटर दूर पड़ती है, और यहाँ पहाड़ देखो भाई बहुत ही खतरनाक। तो ये है भाई मेरे भैरव बाबा, रास्ते में इनका दर्शन करके ज़रूर चलिएगा। तो भाई लगभग 3:30 बजे मैंने चढ़ाई शुरू करी थी, 5:32 हुआ है, 5:32 में जब मैं आया तो लगभग 3.5 किलोमीटर मैं चढ़ चुका था। इधर से मैं चढ़ करके आया हूँ, और यहाँ पर एक शॉप देखने को मिला जहाँ पर नाश्ता किया जा सकता है, तो आप जब भी आइएगा तो नाश्ता करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक चाय की जो वैल्यू है वो लगभग 20 रुपये, पराठे का आलू का जो पराठा है उसका कीमत जो है 50 रुपये पड़ता है, तो यहाँ पर आकर के नाश्ता कर सकते हो। तो भाई यहाँ से पहाड़ वाला, पहाड़ पर जो बर्फबारी होती है वो यहाँ से दिखने लगता है, सनलाइट पड़ रहा है वहाँ पर, देखो कैसे चमक रहा है। अभी मैं इधर से चलने वाला हूँ और आपको पूरी पहाड़ी दिखाने वाला हूँ। इस साइड देखो सनलाइट पड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग भीमबली पहुँचने वाले हैं, उससे पहले भाई ये जो व्यू आप देख पा रहे हो वाटरफॉल का बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है, आपको हमको सबको इंगेज करता है भाई, पहाड़ों में तो जन्नत है जन्नत, आप देख पा रहे हैं। भाई जी यहाँ से देखो श्री केदारनाथ 10.5 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 3.5, बेस कैंप 9, उसके बाद भीमबली 0.5 किलोमीटर है। तो भीमबली चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। उससे पहले यहाँ देखो भाई पहाड़ सामने, स्नोफॉल हो रहा है पहाड़ पे, जूम कर देता हूँ, ये देखो बहुत वाइट वाइट पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है। साफ़ सफाई बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, 10 तारीख को कपाट खुलने वाले हैं उसके उपलक्ष्य में। तो भाई चलता हूँ और जल्द से जल्द आप लोग को दर्शन कराता हूँ। वैसे दर्शन तो कपाट का 10 तारीख को हो पाएगा, उससे पहले नहीं, लेकिन बाहर से मंदिर का दर्शन मैं करा सकता हूँ। भीमबली 0.5 किलोमीटर। यात्रा करते करते भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बरसाती विश्राम सेट आपको आगे देखने को मिलेगा, यदि बरसात में कोई समस्या होती तो यहाँ पर आके रुक सकते हो। इसका लोकेशन भीमबली के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से भाई बर्फीले पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है, ये चेक करो आप, ये देखो भाई गजब का नज़ारा है। और अभी केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर अभी बची हुई है। तो भाई चलो जल्दी से पहुँचते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। भाई जैसे मैं भीमबली के आगे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ भाई ये चढ़ाई, चेक करो आप, इतनी तगड़ी चढ़ाई है ना भाई, चढ़ने में हालत ख़राब हो जानी है। तो चलो कैसे भी करके इसको पार करना है भाई, रास्ता तो यही है, और दिखाता हूँ भाई, आप चेक करो भाई 200 फीट है लमसम चढ़ाई। भाई जब 2013 से पहले वो रूट था केदारनाथ जाने का, लेकिन अब ना जब बाढ़ आई थी 2013 में तो यहाँ सब घर वगैरह हुए थे हुआ करते थे, वो सब टूट के इसमें बह गए थे, ये देख रहे हो अभी भी वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ है, ये चेक करो आप। आज भी 2013 का जो कांड हुआ था वो देखने को मिलता है। अभी के लिए तो ये ट्रैक है हमारे केदारनाथ धाम के लिए, तो ये जानकारी मैंने सोचा आपको दे दिया जाए। भाई केदारनाथ की यात्रा इतनी आसान नहीं होती, आप देख सकते हो इतनी ऊँची चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। यदि आप फिजिकली मेंटेन हो तभी केदारनाथ जी की यात्रा करना, नहीं तो भूल से मत करना भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
फिलहाल चलो यहाँ से 9 किलोमीटर और बचा हुआ है केदारनाथ, जल्दी चलते हैं आपको दर्शन कराते। तो गाइस यात्रा में हम लोग पहुँच चुके हैं छोटे लंचोली और यहाँ पर मेरे पास बंदे मिल गए हैं बिजनौर के। तो जय श्री राम भाई साहब, कैसा लग रहा है यहाँ आप लोग को? यहाँ से केदारनाथ कितनी दूरी पर है? 7 किलोमीटर है। आप पर डे यहाँ काम करते हो? 6 महीने। 6 महीने से? 6 महीने। चलिए आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मिलता है हौसला, आप आते हो हमारा हौसला बढ़ता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए एक बार बोले सियावर रामचंद्र की जय, नमः पार्वती पते हरे हरे। छोटी लिंचोली पार करके बड़ी लिंचोली आने के बाद एक रास्ता तो ये जाता है, लेकिन ये आपको बड़ा लेंदी पड़ जाएगा, बट आपको शॉर्टकट अगर जाना हो तो इस रास्ते का चुनाव कर सकते हो। इधर से जा करके आप लगभग 200-400 मीटर आप बचा लोगे। तो चलो इधर से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली पहली बार बर्फ का दर्शन हुआ पहाड़ों पर। ये देखो ये बर्फ, प्योर बर्फ है, नेचुरली आकर के जम जाते हैं। तो उस पहाड़ से पानी आ रहा है, आकर के यहाँ टेम्परेचर की वजह से जम जाते हैं। तो चलो भाई और ट्रैक कंप्लीट करते हैं जल्दी से। भाई चढ़ाई इतनी चढ़ चुका हूँ कि ये देखो आप, यहाँ से ना जो बादल हैं वो पहाड़ों को चूम रहे हैं। ये देख सकते हो आप, इतनी चढ़ाई चढ़ चुका हूँ मैं। ये देखो भाई लगभग 3-4 हज़ार फीट ऊपर आ चुका हूँ। भाई क्या नज़ारा है, और यहाँ से बर्फ़बारी देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ पर देखो स्नोफॉल हुआ है, जमा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये खूबसूरती है पहाड़ों की जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसे जैसे केदारनाथ पहुँचने वाला हूँ, तैसे तैसे अजब सी ऊर्जा अंदर जनरेट हो रही है। पहले चढ़ने में ना सांसें फूलती थी, दम घुटता था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। सब इन्हीं की कृपा है भाई साहब, केदारनाथ जी की। क्योंकि जैसे जैसे केदारनाथ से गुजर के हवाएँ आ रही ना, एक अलग सी एनर्जी अंदर दे रही है, एक अलग सा सकारात्मक ऊर्जा मिल रहा है। तो जब भी आप आओगे ना, तो जैसे केदारनाथ 5 या 6 किलोमीटर रह जाएगा, तो ऊर्जाएं आपको ना भरपूर मिलने वाली हैं भाई साहब। ये पहाड़ आप देखो, ये पहाड़ के पीछे ही हैं हमारे महादेव। और ये देखो केदारनाथ लगभग 5 किलोमीटर है। बने रहो ऐसे, हम जल्दी आपको दर्शन कराने वाले हैं बाबा जी का। भाई अभी तक मैंने जितने भी पहाड़ देखे ना, उनमें से एक पहाड़ मुझे देखने को मिला जो कि बहुत ही अद्भुत है, और एक अलग ही छवि उसकी लग रही है। ये देखो आप, ये वाला पहाड़, ऐसा पहाड़ भाई मैंने अभी यहाँ तक यहाँ पे नहीं देखा। एकदम साफ सुथरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक अलग ही रुख बिखेर रहा है ना, अलग ही रुख देख ले, बहुत अद्भुत है भाई। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग के आशीर्वाद और महादेव की मोहब्बत से हम जो है ये जो चढ़ाई है वो ख़त्म करने वाले हैं। अब एकदम प्लेन रास्ता आएगा, अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो भाई अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों जहाँ पर मैं बैठा हूँ, फाइनली वहाँ से केदारनाथ मंदिर का हल्का हल्का सा व्यू देखने लगा है। भैया ने हमको बताया कि वही है केदारनाथ मंदिर, तो मुझे मतलब देख कर खुशी हुई कि मतलब अब दिखने लगा है, अब आराम से पहुँच जाऊँगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो सामने जूम करता हूँ, ये आप जो देख रहे हो ब्रिज ना, ब्रिज उसी के बगल एक टेंट लगा हुआ है ना, और उसी के बगल हमारे केदारनाथ बाबा हैं। तो लगभग 3.5 किलोमीटर और चलना है और आपको चल के फटाफट दर्शन कराते हैं। वीडियो में ऐसा ही बने रहिएगा। तो भाई आज जैसा कि आप जानते हो डेट है 8 मई 2024, और केदारनाथ से ठीक 2 किलोमीटर पहले क्या कंडीशन है रास्ते में, ये देख लो ग्लेशियर आकर के पूरा यहाँ पर बिछा हुआ था, बट यहाँ पर बीच से ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया गया ताकि लोग ईजिली आ जा सकें। तो ये कंडीशन होने वाली है। तो भाई 10 तारीख को क्या होगा आप खुद गेस कर सकते हो। तो ये ग्लेशियर इस पहाड़ से आता है, ये देखो यहाँ से आता हुआ ऐसे यहाँ पर जम गया था, लेकिन इसको अब साफ़ कर दिया गया, आप देख सकते हो। तो 8 तारीख को ये कंडीशन है, दोनों साइड जमे हुए हैं बर्फ़। और भाई ना इधर से स्टोन फॉल होता है ना, तो कभी भी आप आइएगा ध्यान से देख करके आइएगा, देखिए हर जगह स्टोन यहाँ पर बिखरे हुए हैं, यह देख सकते हो भाई। तो ग्लेशियर के ऊपर देख सकते हो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ना कैसे पड़े हैं, मतलब जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघलता है ना तो ऊपर से वो पत्थर भी सरकता है। तो इस रास्ते पे जब आना ध्यान से आना आप लोग, नहीं तो ये मतलब गिरने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो चलिए आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आगे चलते हैं। आगे केदारनाथ बस थोड़ा ही दूर बचा हुआ है।
भाई जब आओगे आप उत्तराखंड में केदारनाथ बाबा का दर्शन करने, तो आपको नल नहीं मिलने वाला है और नई टोटी मिलने वाली, आपको यहाँ देसी जुगाड़ी पहाड़ का पानी पीना पड़ेगा। जैसे फ्रिज का पानी होता है ना सेम वैसे है, लेकिन उसका टेस्ट जो है ना कुछ अलग है। एक महीना ये पानी पी लोगे ना, जितना भी रोग है शरीर में भाई सब खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। जैसे ही आप आगे वाला ग्लेशियर पार करोगे, तो यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर बर्फ का एक पहाड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पानी वगैरह देखने को मिला, मतलब पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस है, तो यहाँ से बचा कर आइएगा। और बाकी केदारनाथ हम पहुँचने वाले हैं, नीचे आप देख सकते हो कैसे होता है स्नोफॉल। ये देखो वाटरफॉल, मतलब पानी कैसे, ये बर्फ़ का पानी है कैसे निकल के जाता है, मतलब लोग इसको पीते भी हैं पानी आगे चल करके, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ पर मौसम ना एक मिनट लगता है चेंज होने पर। भाई अभी यहाँ पर ना पहाड़ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बादल नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक मिनट के अंदर देखो सभी पहाड़ों के ऊपर आपको ना बादल देखने को मिल रहे हैं। तो मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी बारिश हो सकती है, कभी धूप हो सकता है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए ब्लॉग में बने रहो। केदारनाथ जाने के बाद भाई आपको स्वर्ग दिखाएंगे, स्वर्ग। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बेस कैंप, और यहां से लगभग 2 किलोमीटर और रास्ता बचा हुआ है। फिर थोड़ा सा खा लेते हैं ना, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए भाई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देता हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना केदारनाथ साइड, वैसे वैसे इन सबका वैल्यू बढ़ता जाएगा। शुरू में मैंने खाया था ना, इसकी वैल्यू 50 था, ऊपर खाया 60, अब 80 हो गया। तो चलिए फटाफट खा के आपसे मिलते हैं। भाई ये देख सकते हो 10 मई के लिए जो तैयारियां चल रही हैं बेस कैंप के पास, दुकानें चारों तरफ लग जा रही है। इन 8 तारीख या 9 तारीख की डेट में यदि आप आ रहे हो ना, तो यहाँ बेस कैंप के पास ना आप आकर के कैंपिंग कर सकते हो। एक चीज़ मैंने देखा भाई वहाँ पर ना पहाड़ के ऊपर कुछ लोगों ने कैंपिंग कर रखा है। ये देखो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब आप जब भी आइएगा ना, तो यहाँ नीचे ही कैंपिंग करिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो केदारनाथ पहली बार आ रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी अपडेट मैं दे देता हूँ। SBI बैंक का यहाँ पर बोर्ड लगा है, यानी कि आगे आपको SBI बैंक या आपको SBI ATM देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्त, गेट पर क्या लिखा है, मोक्ष द्वार श्री केदारनाथ जी में पधारने पर व्यापार संघ श्री केदारनाथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। ऊपर लिखा हुआ है जय श्री केदार, जय भैरवनाथ। जब केदारनाथ के गेट में आप प्रवेश करोगे ना, तो यहाँ पर जल की थोड़ा सा स्रोत देखने को मिलेगा, और ये सारे जल ना पहाड़ों से आते हैं, जो कि यहाँ पर रहने वालों के लिए बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली केदारनाथ बाबा बस 1 किलोमीटर दूर और हैं, बस जल्दी से लेके चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। वैसे कपाट तो 10 को खुलेंगे, लेकिन मंदिर आप देख सकते हो बाहर से। तो फाइनली ये जगह आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर हेलीकॉप्टर आके उतर जाता है, जैसे कि मैंने दूर से दिखाया था। तो यहाँ से आपको ना 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ेगा। तो भाई हेलीपैड भी आप देख लो। दोस्तों ATM की बात कर रहा था, तो यहाँ पर HDFC बैंक का भी ATM देखने को मिलेगा। और पीछे आप देख पा रहे हो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ओम हमारे केदारनाथ में जो लगाया गया था, उसके एकदम करीब हूँ अब। तो गाइस फाइनली मंदाकिनी नदी जो निकली है, वो निकली है केदारनाथ से। जस्ट पीछे केदारनाथ है, और उनके पीछे से देखो मंदाकिनी नदी निकली हुई है, जिनको हम रील्स में देखा करते थे, जिनको हम यूट्यूब वीडियो में देखा करते थे, जिनको हम न्यूज़ में देखा करते थे। आज सौभाग्यवश उनके बुलाने पर आज मैं फाइनली इनको सामने से देख रहा हूँ। ये देख, ये मेरे जीवन का ना, जब से जन्म लिया हूँ और अंत तक, ये मेरे जीवन का सबसे ही पवित्र और सबसे ही यादगार ट्रिप रहेगा, श्री केदारनाथ जी की यात्रा। और 10 तारीख को बाबा की डोली आने वाली है, जो कि विराजमान हो जाएगी अंदर में, और 6 महीने बाद प्रांगण खुल जाएगा, और आपको दर्शन भव्य तरीके से कराने वाले हैं। हमारे नंदी जी बाहर हैं, इनका भी दर्शन कर लो। और गेट पर क्या लिखा है, ओम नमः शिवाय, और त्रिपुंड बना हुआ है, नंदी बने हुए हैं, और बाहर गणेश भगवान विद्यमान है। तो भाई, और यहाँ किस तरीके से सजावट चल रही है ना, अद्भुत तरीके से। और भाई ना, ऐसा करता हूँ ना कि और बाकी दर्शन मैं आपको कल करा दूँगा। चलो इस वीडियो को
और बाकी दर्शन मैं आपको कल कराने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और इसकी सीरीज देखने के लिए केदारनाथ की चैनल से जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय केदारनाथ, जय श्री राम।